इन इंडिया के बारे में आप ट्रैक करते हैं, 2 साल के नजरिए से नंदलाल महिया समझना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए तो अगेन यही है कि अगर 2 साल का अगर ये नजरिया लेना है तो बियॉन्ड 1 ईयर तो ये स्टॉक अच्छा लगता है, क्योंकि तब तक वैल्यूएशन कंफर्ट्स आ जाएंगे। करंटली ऐसा है कि वैल्यूएशन टर्म्स में ये स्टॉक काफ़ी महंगा ट्रेड कर रहा है, तो 3000 के करीब है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस करेक्ट हो सकता है, और बिकॉज कि अगेन इट इज़ इनटू मैन्युफैक्चरिंग साइड, ये स्टॉक हमें लगता है कि बियॉन्ड 1 ईयर या बियॉन्ड 2 ईयर्स अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म आई मीन टू से नेक्स्ट 12 मंथ्स ऑफ टाइम अगर मार्केट में अगर कोई गिरावट बनी तो बिल्कुल ये स्टॉक करेक्ट होगा, और उस पर्टिकुलर गिरावट में इसमें आप और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं, आई थिंक वो फायदेमंद रहेगा। जी, अभी डिप्स कहाँ तक आने की संभावना आपको दिखती है? एक बार को इसमें जो बड़ी अच्छी तेज चाल बनी थी वो तो शायद सस्टेनेबल नहीं थी, और इसीलिए हम देख रहे हैं वापस इसमें ये करेक्टिव मूव बन रहा है। क्या इस करेक्टिव मूव में ये 200 डे मूविंग एवरेज अभी 2450 के आसपास है, क्या उन लेवल्स की तरफ जाएगा, या अभी जो एक रिसेंट बॉटम बनाया है इसने 2765 के आसपास वहाँ पे सपोर्ट ले लेगा? तो देखिए बिल्कुल अगर यहाँ से अगर गिरावट बनती है तो 2700 से लेकर 2500 के लेवल्स भी ये दिखा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक उतना ही वॉलेटाइल है, और जब करेक्ट होता है तो तकरीबन 15-20% के करीब ये करेक्ट होता है। फंडामेंटली हमने इसके ऊपर जो हमारा प्राइस टारगेट रखा है वो 2400 का रखा है, बट ये व्यू 12 मंथ्स का है। इन बिटवीन कैसे क्या डेवलपमेंट्स आते हैं उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे, और एवरी क्वार्टरली हमारे टारगेट्स को हम हमेशा रीचेक करते रहेंगे, या तो उसको अपग्रेड या डाउनग्रेड में कन्वर्ट करते रहेंगे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक गिरता है तो 2700 के करीब आ सकता है, और अगर 200 दिन के एवरेज की अगर बात करें तो लगभग 2500 के करीब बना हुआ है। तो यस, वर्स्ट के सिनेरियो में ये स्टॉक 2500 के लेवल्स दिखा सकता है।